हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ आज आपके लिए एक और DIY लेके, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और इसके लिए मैंने ये जीन्स का कपड़ा लिया है, पुरानी जीन्स का कपड़ा। इसको इस तरीके से 3 पीस इसके कट किए हैं, तो ये तकरीबन 7.5 इंच के हैं। 7 इंच के ले रही थी, 7.5 इंच के कट हो गए। तो कोई नहीं, 7.5 इंच का भी ले सकते हैं, 6-6.5 इंच का भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने ये 7.5 इंच के करीब लिया है। 8 इंच, 7 इंच, 6-6.5 इंच का भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने ये 2 पीस ऐसे कट किए हैं, तो ये ऐसे जुड़ेंगे। 1 पीस ये है, 3 पीस लिए हैं, इनको साइड में करते हैं 2 पीस को, और 1 पीस लेते हैं। इसको ऐसे करना है ट्रायंगल शेप में। तो अब इसको करना है कट। एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, ऐसे है ये स्क्वायर पीस में। इसको ऐसे करना है फोल्ड, और इसके 2 पीस बना लेने हैं इस तरीके से, बीच में से कट करके। तो ऐसे ये हो गया कट। ये बहुत ही सिंपल है, और ये आपके किचन में काम आएगा आपको, और बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल वाली शेप है ना, ये जो अभी हमने कट की है, जो साइड कट की है, वहाँ से हमको इस तरीके से इसको बारीक बारीक करके फोल्ड कर देना है। मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ाई की में नहीं करना है, बस जितना बारीक करना है कर सकते हैं, उतना कर देना है। तो इस तरीके से इसको सिलाई लगा के इस तरीके से बंद कर देना है, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। या फिर यहाँ पे कोई आप और पट्टी या कोई लेस लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको भी इसी तरीके से कट हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको भी सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक किचन टूल बन के रेडी होगा, जिससे कि आपको जो गर्म पतीले वगैरह उठाने में बहुत आसानी होगी, और या फिर ओवन में से कोई चीज़ निकालने में, गर्म गर्म जैसे बर्तन को उठाने में ये काम आएगा। तो इस तरीके से ये सिलाइयाँ 2 लगा ली हैं। अब ये वाले जो 2 पीस हैं, इनको हम ले लेते हैं। तो 1 पीस इसका हटा देते हैं। ये जो 1 पीस है, ऐसे ही देख सकते हैं आप, मैंने सीधी साइड ऊपर की ओर रखी हुई है। सीधी साइड के ऊपर ही हमको ये वाले पीस ऐसे लगाने हैं। तो ये वाले जो हमने अभी तैयार किए हैं, एक साइड ऐसे, दूसरी साइड इसके ऑपोजिट, दूसरे कोने में इस तरीके से इसको ऐसे लगा देना है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो शायद ये वाला पीस जब मैं सिलाई लगा रही थी ना, थोड़ा सा खींच गया था, इसलिए थोड़ा सा ये बाप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है। तो सिलाई लगाने के टाइम पे ये थोड़ा सा खींच गया था। तो ऐसे ही ये वाला पीस इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है ऐसे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। तो इसको सेट करने के बाद ना, इस पर लगा देंगे पिन, ताकि सिलाई लगाने के टाइम पर ना ये इधर उधर ना जाए, और हमको सिलाई लगाने में कम्फर्टेबल हो। तो 3-4 पिन इसमें लगा सकते हैं, या फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। जैसे भी हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई के बीच में जो भी पिन आएगी, तो साथ साथ में इसको निकालते भी जाना है। तो इस तरीके से मैंने 3-4 पिन लगा के इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद ना, यहाँ पे 2-2.5 इंच का मार्क लगाया है। ये जो मार्क लगाया है ना, यहाँ पे हमको खुला रखना है, मतलब यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, इतना खुला रखना है, बाकी के इसके बाकी सभी साइड पे सिलाई लगा देनी है। तो वो हमको क्यों खुला रखना है, क्योंकि जब हम इसको सिलाई लगाएंगे, तो हमको इसको पलटना भी है, सीधी साइड से बाहर निकालना है। तो ये जो हमने 2-2.5 इंच मैंने खुला रखा है, यहाँ से हम इसको बाहर की ओर निकालेंगे, सीधा करेंगे। तो बस जैसे जैसे हमने इसको सेट किया था ना, बस आधा आधा इंच का मार्जिन या फिर एक पैर का मार्जिन देते हुए हमको इस तरीके से चारों ओर सिलाई लगा लेनी है, और साथ में ये जो पिन है ना, निकालते जाना है, ताकि ये सिलाई मशीन के फुट में ना आए। तो इस तरीके से जहाँ तक हमने मार्क लगाया था ना, वहाँ तक इसको सिलाई लगा देनी है ऐसे। तो अब ये जो निकले हैं ना कॉर्नर से, इसको कट कर देंगे, और ना थोड़े से ये जो कॉर्नर हैं, यहाँ से भी कट कर देंगे, ताकि जब हम इसको पलटें, तो अच्छी फिनिशिंग से यहाँ से ये पलट के आए। बस ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस इसके इससे थोड़े थोड़े कॉर्नर कट कर देने हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी जब इसको हम पलट देंगे। तो ये कट कर दिए हैं मैंने, अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये जो हमने 2-2.5 इंच का रखा था ना, ये वाला,
पार्ट, इसमें से हम इसको निकाल के सीधा कर लेंगे। तो इसको ना ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही सिंपल है और आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं और आपके बहुत ही काम आने वाली ये चीज़ है। और अगर आपके पास से ओवन वगैरह है तो और भी काम आने वाली चीज़ है ये, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और देखो इस तरीके से इसको मैंने सीधा कर लिया है, तो इसके जो कॉर्नर्स जो है ना, इनको अच्छे से निकाल लेना है ऐसे। अगर ना निकाल पाओ हाथ से तो इसको कोई टूल ले लेना है, कोई पेंसिल पेन या कोई इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर, तो उसकी हेल्प से इसको ऐसे कॉर्नर में से ऐसे अच्छे से निकाल लेना है। तो ये सेट करने के बाद ये जो खुली वाली साइड है ना, यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे ऊपर की साइड से, और ऊपर से पूरे चारों ओर इसको टॉप स्टिच भी लगा देंगे इसी के साथ में। साथ में तो ये बंद हो जाएगा और साथ में ही इसके टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल, आपने देखा कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसको लिए कोई स्पेशल कपड़े की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने जीन्स का यूज़ किया है, या फिर आपके पास कोई टावल हो या कोई और कोई मोटा कपड़ा हो उसी का यूज़ करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको ना ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और देखो ये बन के तैयार हो गया है, और देखो ऐसे इसको यूज़ करना होता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है। इसी तरीके का ना मैंने एक और शेप से बना के वीडियो बना के अपलोड किया है, वो दूसरे तरीके से बनाया है थोड़ा, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वो वाले पसंद आते हैं तो वो वाला भी आप बना सकते हैं, तो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो देखो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया है मैंने, ये देखो ऐसे ये बन जाता है। इससे हाथ भी आपका नहीं जलेगा और सेफ़ रहेगा हाथ भी, और ओवन से या फिर गैस से कोई भी पतीला उठाने में ये बहुत ही आपको काम में आएगा। तो देखो बहुत सिंपल भी है और आसानी से ये इसके साथ जो है ना, जैसे हम कोई गर्म चीज़ होती है तो उससे उसकी भाप हमारे हाथ में लग जाती, तो इस तरीके से हाथ भी सेफ़ रहेगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये एक मच्छी की शेप वाला ऐसे लग रहा है। तो अभी मैं आपको पतीला उठा के दिखाती हूँ, है तो खाली, जस्ट एक डेमो दे रही हूँ आपको। तो देखो इस तरीके से पकड़ के इसको कितनी आसानी से फटाफट से हम इसको उठा सकते हैं। इसी तरीके से ओवन से कोई भी गर्म चीज़ निकालनी है तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। इससे ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बजाय कि अब महंगे महंगे ग्लव्स लेने के मार्केट से शॉपिंग करने से, अच्छा है कि इस तरीके से आप घर पर बनाइए। तो इसको बनाना ज़रूर और मुझे बताना ज़रूर। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और नए आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।